नमस्कार। अब आगे इसमें आते हैं हम टैक्सोनॉमी में बॉटनिकल लिटरेचर। बॉटनिकल लिटरेचर क्या है? तो टैक्सोनॉमी में हमको स्टडी करने के लिए, किसी भी प्लांट के बारे में कंप्लीट स्टडी करने के लिए, हमको फील्ड, हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, इन सब के साथ साथ उसके लिटरेचर की भी आवश्यकता होती है किसी भी प्लांट के लिए। तो लिटरेचर को, स्टडी को हम यहाँ पर बॉटनिकल लिटरेचर, या फिर इसको हमने सम्मिलित रूप से लाइब्रेरी का नाम दिया है। अब ये जो बॉटनिकल लिटरेचर है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे ये जो बॉटनिकल लिटरेचर है जो कि बुक्स में हमको अवेलेबल है, तो बुक्स का जो कि ज्ञान का एक असीमित भंडार है, और ये जो है अध्ययन में इनके अंदर हमको अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको तीन भागों में बांट दिया है, फ्लोरा, मोनोग्राफ और आइकॉन्स। अब एक एक की स्टडी करते हैं हम आगे। तो फ्लोरा क्या होता है? सबसे पहले कि फ्लोरा क्या है, फ्लोरा एक ऐसी बुक है जिसके अंदर किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप प्रजाति, पादप विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप, जो विशेष प्रकार से समस्त पादप प्रजाति का को एक निश्चित वर्गीकरण पद्धति के अनुसार उसकी पहचान की कुंजी सहित उसका वर्णन उसके अंदर समाहित हो, उस मैनुअल को हम कहते हैं फ्लोरा का फ्लोरा, और उसको फ्लोरा को हम मैनुअल भी कहते हैं। अब फ्लोरा का महत्व क्या है? जैसा कि हम कह रहे हैं कि किसी भी मतलब ऐसी बुक है जो किसी स्थान विशेष में पाई जाने वाली पादप प्रजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी आइडेंटिफिकेशन कुंजी के साथ रखती हो। तो जब वो आइडेंटिफिकेशन कुंजी के साथ रखती है तो उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होगा। तो यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र विशेष में उगने वाली जो पादप प्रजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे विश्वस्त साधन है फ्लोरा। फिर पादप समुदाय का उसके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन को भी फ्लोरा सुगमित करता है। फ्लोरा के अंदर केवल वाइल्ड प्लांट या कुछ कल्टीवेटेड प्लांट, दोनों प्रकार के प्लांटों का वर्णन होता है, मतलब दोनों प्रकार के प्लांट्स यहाँ पर उनका वर्णन हमको मिलेगा। पादप प्रजाति की पहचान के लिए इसके अंदर स्पेशल आइडेंटिफिकेशन कुंजियां दी हुई होती है, जिससे कि उस फ्लोरा को, उस पादप प्रजाति को हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब ये जो फ्लोरा है, इसको हमने प्लांट रिसोर्सेज का जो एक अधिकृत स्रोत है, तो इसको हमने भारत की पादप संपदा का अभिलेख तैयार करने की दृष्टि से इसको तीन भागों में विभक्त किया है। फ्लोरा को तीन भागों में विभक्त किया है, नेशनल फ्लोरा, स्टेट फ्लोरा और डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। मतलब एक पर्टिकुलर जगह की फ्लोरा के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो सके, उस आधार पर हमने उसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आते हैं नेशनल फ्लोरा क्या है। तो किसी भी राष्ट्र की, जैसा नेशन कह रहे हैं हम, तो किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण पादप संपदा की सूचना देने वाली फ्लोरा को हम नेशनल फ्लोरा कहते हैं। और भारत की राष्ट्रीय फ्लोरा का भारतीय वनस्पति संरक्षण के द्वारा के निर्देशन में इसका संकलन हो रहा है, और अभी वर्तमान में हम जो उपयोग में लेते हैं फ्लोरा, बैंथमोकर के वर्गीकरण के आधार पर ब्रिटिश फ्लोरा, जिसको कि 7 वॉल्यूम्स हैं, उसको राष्ट्रीय फ्लोरा माना जाता है। और इसी प्रकार से अन्य देश के भी फ्लोरा तैयार किए जाते हैं, जैसे फ्लोरा मलेशियन, ए फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका इत्यादि। दूसरा स्टेट फ्लोरा, जैसा नाम से स्पष्ट है कि हमने नेशनल फ्लोरा कहा, यानी कि नेशन के लिए, नेशन के बारे में, नेशन में जितनी भी प्लांट्स स्पीसीज है पूरे देश में उसके बारे में वर्णन। राज्य की फ्लोरा, स्टेट फ्लोरा यानी कि उस राज्य की, पर्टिकुलर राज्य की, कि राज्य में किसी राज्य विशेष की पादप प्रजाति का इस फ्लोरा के अंदर, उस पादप प्रजाति का राज्य में जो भी पादप प्रजातियाँ पाई जा रही है उनका उल्लेख होगा।
तो इसके अंदर से कुछ महत्वपूर्ण फ्लोरा है, जैसे फ्लोरा ऑफ राजस्थान, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, फ्लोरा ऑफ आसाम, ऐसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग फ्लोरा बनाई गई है। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा, डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा क्या है कि किसी भी जिले में विशेष प्रकार के जो पादप, पुष्पीय पादप प्रजाति, उसका वर्णन किया जाता है। और उसके लिए जैसे कुछ फ्लोरा के उदाहरण, जैसे वी सिंह के द्वारा लिखी गई फ्लोरा है, फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा, फ्लोरा ऑफ टोंक, इस तरह से। तो ये जो फ्लोरा है तीन श्रेणियों की, इनको कई अतिरिक्त आधार पर भी फ्लोरा का प्रणयन किया गया है और पारिस्थितिकी और प्रशासनीय सीमाओं को आधार मानकर लिखी गई है। और कई सारी फ्लोरा भी, और भी कई सारी राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों से संबंधित फ्लोरा है, काफ़ी सारी फ्लोरा लिखी गई हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकंड जो है वो मोनोग्राफ, इसी का लिटरेचर से संबंधित जो टाइप्स हमने बताए, पहला फ्लोरा था, दूसरा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ और आइकॉन्स एग्जामिनेशन दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो मोनोग्राफ क्या है, किसी भी पादप कुल या ट्राइब या जीनस, उसका संपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक को हम मोनोग्राफ कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मोनोग्राफ के अंदर क्या हो गया कि किसी भी पादप की, कोई भी एक प्लांट की, उसकी फैमिली, ट्राइब, जीनस, उसका वर्णन होगा। जबकि फ्लोरा में हमने क्या कहा कि पूरी किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली संपूर्ण पादप प्रजाति का वर्णन होगा, और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में वर्णन होगा, तो उसको हम कहते हैं मोनोग्राफ। यदि सरल शब्दों में हम कहें मोनोग्राफ को, तो मतलब यहाँ पर जो भी मोनोग्राफ, जिस भी प्लांट के बारे में वर्णन होगा, उससे संबंधित सारी सूचना वो विश्व में कहीं भी उपलब्ध हो, वो उसमें वर्णित होगी। किसी या यूँ कह लें हम कि किसी भी एक वर्ग के समस्त पहलू, जैसे उसकी आकारिकी, वर्गीकी, फिजियोलॉजी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी फाइलोजेनेटी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स और उसकी इकोलॉजी, समस्त शाखाओं से उसका जो संबंध है, उसका ज्ञान उस पुस्तक में समाहित करने वाली पुस्तक को हम कहते हैं मोनोग्राफ। और मोनोग्राफ का अध्ययन किसी भी एक टैक्सोन के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण विश्व में होता है। मोनोग्राफ लगभग समान ही एक वनस्पति साहित्य है, मोनोग्राफ के समान ही एक वनस्पति साहित्य है, जिसको हम कहते हैं रिवीजन। रिवीजन भी उस पुस्तक को कहते हैं जिसके अंदर टैक्सोन के एलिमेंट, टैक्सोन या एलिमेंट को अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मोनोग्राफ, और मोनोग्राफ जो लिखे गए हैं वो उसकी एक सूची यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। बैंथम के द्वारा स्क्रोफ्लोरेसी इंडिसी के ऊपर लिखी गई है ये। इसी तरह से ये काफ़ी सारी पी महेश्वरी के द्वारा बॉटानिकल मोनोग्राफ नंबर 1 नीटम, के एम गुप्ता के द्वारा बॉटानिकल मोनोग्राफ नंबर 2 मार्सिलिया, इस तरह से ये काफ़ी सारी फ्लोरा की, मोनोग्राफ की एक सूची है। ये इस तरह से जो इम्पोर्टेंट कुछ है वो यहाँ पर मैंने बताई है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आइकॉन्स, या उसको मूर्तीय ग्रंथ भी कहा जाता है। तो वनस्पतिक साहित्य से संबंधित ऐसी पुस्तकें जिसमें प्लांट के और प्लांट या उससे संबंधित शाखाओं के चित्र होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, जो टैक्सोनॉमिक स्टडी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो कि पादप पहचान में, जिसे किसी भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो उसमें विशेष रूप से सहायक होते हैं।
ये जो डायग्राम्स हैं, जो चित्र है, ये पादप के विभिन्न अंगों के, जैसे कि उसका स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, आदि की बाह्य आकारिकी को दर्शाते हैं। सूक्ष्म आकारिकी लक्षण, जैसे कि ये बाह्य आकारिकी को दर्शाते हैं, इसके अलावा से कुछ सूक्ष्म आकारिकी लक्षण, जैसे जो हेयर पाए जाते हैं उनका वितरण, उनका प्रकार, स्पाइन पाए जाते हैं उनका वितरण और टेंड्रिल, इन सभी का अवलोकन उसके अंदर स्पष्ट रूप से चित्रों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। चित्रों के साथ जो डायग्राम्स दिए होते हैं, जो फोटोग्राफ्स जो वहाँ पर डायग्राम्स दिए हैं उनके साथ उसकी मेज़रमेंट स्केल भी दी जाती है, जिससे कि अधिक स्पष्टता से, मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि अधिक स्पष्टता से चित्र के साथ उसके विभिन्न अंग का फल, बीज, इनके भी अलग से चित्र दिए जाते हैं और उनका मापन दिया जाता है, मापन स्केल इसीलिए दी जाती है। आइकॉन्स में यद्यपि पादप का वर्णन नहीं होता है, यहाँ पर केवल चित्र होते हैं और ये चित्र भी उसकी प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आइकॉन्स हैं जो उसकी सूची ये दे रखी है मैंने, जो सिलेक्टेड आइकॉन्स हैं वो है एनल ब्रिटोन और ब्राउन के द्वारा एन इलुस्ट्रेटेड फ्लोरा ऑफ द नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट कैनेडा, फिर पॉर्सिल्ट के द्वारा इलुस्ट्रेट फ्लोरा ऑफ द कैनेडियन आर्किटेक्ट आर्किपिलगो, आर वाइट के द्वारा आइकॉन्स प्लांटेरम इंडी ओरिएंटालिस, 6 भाग हैं इसके। आर वाइट के द्वारा ही 1850 में इलुस्ट्रेशन ऑफ इंडियन बॉटनी, जे डी हुकर के द्वारा 1870 में इलुस्ट्रेट हिमालयन प्लांट फोलियो। इसी तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट जो आइकॉन्स हैं जिसके अंदर प्लांट के डायग्राम सारे हमको मिलेंगे, उसके सारे संबंधित एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के। जे के महेश्वरी के द्वारा इलुस्ट्रेशन टू फ्लोरा ऑफ दिल्ली भाग 2, रॉक्सबर्ग 1824 के अंदर फ्लोरा इंडिका, जिसके लगभग 2533 रंगीन चित्र हाथ से बनाए हुए चित्र हैं इसके अंदर, रॉक्सबर्ग के द्वारा इस फ्लोरा इंडिका के अंदर। तो इस तरह से ये चित्र जो हैं, ये डायग्राम्स जो हैं, काफ़ी प्लांट आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी मदद करते हैं। तो टैक्सोनॉमी की स्टडी के लिए ये बॉटनिकल लिटरेचर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, और जिसके द्वारा हम प्लांट का आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।